बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि है और बाढ़ की स्थिति देख पा रहे हैं कि लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिले के पिरछा गांव की यह तस्वीर है। पिरछा में यह देखिए कि फोर लेन सड़क के किनारे जलस्तर में वृद्धि के बाद पानी फैल गया है और ये मंदिर जो है बाढ़ के पानी में घिरा हुआ है। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए आपको पानी में तैर के आना पड़ेगा। फोर लेन से जो कनेक्टिविटी है पानी की वजह से बाधित होने जा रहा है और मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे बाढ़ का पानी फैल गया है और बागमती नदी के बाढ़ के पानी से यह पूरा मंदिर, हनुमान जी की मंदिर जो है सो घिरा हुआ है और पानी में जलकुंभी का स्थिति देख लीजिए कि जलकुंभी से घिरा पड़ा है और जलीय जानवरों की गतिविधि से लेकर के तमाम तरह की गतिविधि यहाँ पर दिखती रहती है और ऐसे में दहशत बना हुआ है। आसपास के जो बाशिंदे हैं और यहाँ पर इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। नाम है तुम्हारा? ये कौन सा जगह है? ये हनुमान मंदिर किस गांव में है? पिरछा में। ये पानी है तो तुम लोग पानी तैर के जाते हो उधर? यस। पूजा करने के लिए गांव के लोग आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। हनुमान जी का मंदिर है। जैसा कि बच्चे बताएं कि जो प्रत्येक दिन तैर के उनको आना पड़ता है और पिछले 2-3 दिनों से जलस्तर में वृद्धि की वजह से यह मंदिर चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है। हम कैमरा के माध्यम से आपको यह भी दिखाना चाहेंगे कि मंदिर के पीछे की क्या स्थिति है। जूम इन करके हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है, मंदिर कैसे पानी से घिरा हुआ है। हनुमान जी का यह मंदिर है, फोर लेन सड़क से काफ़ी नीचे है। डीप होने की वजह से, गहराई होने की वजह से जलस्तर में वृद्धि के बाद से यहाँ मंदिर का घिरना स्वाभाविक है, लेकिन मंदिर के चारों तरफ की स्थिति हम दिखाएंगे कि देखिए कि क्या स्थिति है। इधर बाएं तरफ की स्थिति आप देख लीजिए कि इधर भी जलस्तर में वृद्धि की वजह से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है और जलकुंभी भी पूरा फैला हुआ है। यह पिरछा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेनीवाद के पास पिरछा गांव की यह तस्वीर। फोर लेन सड़क के किनारे स्थित हनुमान जी की मंदिर, पानी तैर के आता है तो तुम लोगों को डर भी लगता है, जलकुंभी है, सांप कीड़ा सब हो सकता है। तुम्हारा घर यहीं है तो तुम ही आते हो यहाँ पर सांस दिखाने? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम हुआ? ये कौन सा जगह, ये कौन गांव में मंदिर है? पिरछा। बाढ़ का पानी है? कई दिन से बाढ़ आया हुआ? 3-4 दिन से। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि पिरछा गांव की तस्वीर है और नदी के बाढ़ के पानी से घिरा हुआ यह तस्वीर देखिए कि गांव में जो बाशिंदे हैं उनके घर आपको देख पा रहे हैं और बीच का जो फासला है उसमें बाढ़ का पानी फैला हुआ है, जलकुंभी है, बाढ़ के पानी में जलकुंभी है पर्याप्त मात्रा में। और आपको बता दें कि जब बाढ़ का पानी कमता है तो यह जलकुंभी सीधा खेतों में बैठता हुआ चला जाता है, जिसे निकालना एक बड़ी चुनौती होता है उस वक्त किसानों के लिए। खेती किसानी के लिए इस जलकुंभी को निकालना भी काफ़ी कठिन सबब होता है। फिलहाल जो हम ये स्थिति आपको दिखा पा रहे हैं, पिरछा गाँव की यह तस्वीर है जो बाढ़ के पानी से घिरा हुआ हनुमान जी की यह मंदिर है और बाढ़ का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बागमती नदी के बाढ़ का पानी का फैलाव हो रहा है, लोग तबाह हैं और जलस्तर में अभी भी वृद्धि जारी है। कल से आश्विन नवरात्रा भी प्रारंभ है और ऐसे में हनुमान जी की यह मंदिर हम आपको दिखा पा रहे हैं कि बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में जो गाँव के लोग हैं उन्हें दीप जलाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए हनुमान जी की इस मंदिर में आना भी कठिन चुनौती का सबब बना हुआ है। दीपक कुमार तिवारी, A2Z News Live, मुजफ्फरपुर बिहार।